नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल भी के स्टडी पॉइंट फाइव पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर फाइव और सिक्स। इसके पिछला क्लास में हम क्या पढ़ा था दोस्तों, एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फोर तक ले हम लोग कंप्लीट कर लिया था, फर्स्ट का फोर तक कंप्लीट कर लिया था। और आज फाइव और सिक्स पढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कहा क्या था दोस्तों, इसको बजगुणन विधि के द्वारा हमको क्या करना है, एक्स और वाई को मान निकालना है किसके द्वारा, तो बजगुणन विधि के द्वारा इसको ज्ञात करना है। बजगुणन विधि आपको मैं बता दिया था बहुत ही अच्छे तरह से, बजगुणन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है, विस्थापन विधि क्या होता है, तीनों विधि में बता दिया था। आप इसका इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिए, जाकर प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट में है, पढ़ा है ऑलरेडी, वीडियो देख लीजिएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, फाइव नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है 7x-2y या 5xy इक्वल 5 दिया है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जो एक्स वाई है इसको पहले तो सेवन एक्स में एक बार डिवाइड कर दिया 2y में। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 7x/5xy कर देंगे माइनस 2y/xy कर दीजिए, इक्वल 5 कर दीजिए। क्यों दोस्तों, जब ये कर देंगे तो आप दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यही मान आ जाएगा। देख लीजिए जब एक्स वाई एलसीएम ले लेंगे तो एक्स वाई से कट जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आ जाएगा, 2y आ जाएगा, इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से वाई कैंसिल कर दीजिए। सॉरी दोस्तों, वाई से वाई कैंसिल कर दीजिए, एक्स से एक्स कैंसिल कर दीजिए, वाई से इसे क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पे आपका बचेगा दोस्तों 7/y-2/x=5 बचेगा, इतना तो आप क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आएंगे दोस्तों तो करेंगे क्या, पहले हम देखते हैं इसको क्या करेंगे। तो पहले 7x/1 लिखेंगे माइनस 2x/1 क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/1 यहाँ पे x कर दीजिए 5। अब यहाँ पे 1/x=a मान लीजिए और 1/y=b मान लीजिए, वही प्रोसेस कीजिए जो हम पिछला वीडियो में किए थे। अब ये की जगह 1/y की जगह 1/x की जगह a रखेंगे, 1/y की जगह क्या रखेंगे, b रखेंगे, तो 7b हो जाएगा, ये -2a हो जाएगा, a हो जाएगा 5। आज जब इसको आप दोस्तों इधर करेंगे तो -2a हो जाएगा, -2a हो जाएगा प्लस 7b और -5=0 हो जाएगा, समीकरण एक आपका बन गया। -2a कहाँ से हो गया दोस्तों, माइनस के साथ 2a को इधर लेके चले आएंगे और पॉजिटिव के साथ 7b को कर देंगे, प्लस 5 है, जब इसको पछात्रण करेंगे तो -5 हो जाएगा, समीकरण एक बन गया, इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब ये समीकरण एक बन गया था दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। अब हम इसको लेके चलेंगे समीकरण दो बनाएंगे। यहाँ पे आप पहले लिख दीजिए कि इसको क्या माने, 1/x=a मान लीजिए। अब समीकरण दो को हम इधर बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसमें काम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 8x दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, प्लस 7y दिया है इसको हम एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, इक्वल कर देंगे 15। वाई से वाई कैंसिल कर दीजिए, एक्स से एक्स कैंसिल कर दीजिए, तो 8/y आ जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों प्लस 7/y=15 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1/y=b मान लीजिए और 1/y=b माने थे और 1/x=a माने थे, यही आप इसमें भी माने थे तो इसमें भी यही मानेंगे। और यहाँ पे आप रख देंगे, क्या रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 के जगह आप 8 और 1/y की जगह रखेंगे तो b 8b हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 7a हो जाएगा, 7a हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पे 7a+8b लिख सकते हैं क्योंकि ये भी प्लस है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये -15 हो जाएगा क्योंकि जब 15 इधर है तो माइनस हो जाएगा समीकरण दो। समीकरण एक और समीकरण दो आपको पता चल गया, इसको बजगुणन विधि द्वारा सॉल्व कर दीजिए बहुत ही इजी तरीका से, फास्ट से सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे। समीकरण एक है -2a+7b-5=0, समीकरण एक ये है। समीकरण दो क्या है, 7a+8b-15=0, समीकरण दो है, इतना था वो क्लियर हो गया। इसको हम इरेजर करते हैं या उसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ए है तो आपको पता है कि यहाँ पे ए लिखते हैं, बी है तो बी लिखते हैं, यहाँ पे वन लिखते हैं, अचर पद आपको पता है कि हम लिख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे आपका होता है, पहले एक बार देख लीजिए, b1 b2 होता है, a1 a2 होता है, c1 c2 होता है और यहाँ पे फिर b1 और b2 होता है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। तो इसको हम इरेजर करते हैं, इसका मान हम डायरेक्ट रखते हैं, ये तो आपको दिखाने के लिए मैं लिख दिया था। यहाँ पे b1 b2 क्या होगा दोस्तों, b1 क्या होता है, समीकरण एक में b का गुणांक है 7 तो b1 हो जाएगा, समीकरण दो में b का गुणांक है 8 तो 8 हो जाएगा।
अब आएंगे दोस्तों यहाँ पे ए वन ए टू होता है। ए वन क्या होता है, समीकरण एक में ए का गुणांक होता है तो माइनस टू है, समीकरण दो में ए का गुणांक होता है सेवन है। सी वन सी टू क्या है दोस्तों, अचर पद होता है तो माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन हो जाएगा, और यहाँ पे बी वन सेवन और एट हो जाएगा। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत ईजी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ए यहाँ पे लिखेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन इंटू माइनस फिफ्टीन हो जाएगा, माइनस करेंगे एट इंटू माइनस फाइव इक्वल बी अपान, फिर क्या करेंगे माइनस फाइव इंटू सेवन कर देंगे, अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस फिफ्टीन इंटू माइनस टू कर देंगे इक्वल वन अपान, इसमें लिख देंगे माइनस टू इंटू एट कर देंगे, और इसको माइनस करेंगे माइनस सेवन इंटू सेवन कर देंगे। इतना था वो क्लियर हो गया। ए अपान पंद्रह सत्य क्या होता है दोस्तों, पंद्रह सत्य एक सौ पाँच होता है तो माइनस एक सौ पाँच ही हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पंद्रह आठ पच्चीस चालीस होता है, चालीस लिख दीजिए इक्वल बी अपान हो जाएगा, सात पच्चीस पैंतीस माइनस पैंतीस माइनस ये माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी है, प्लस होगा, पंद्रह दूना तीस है, माइनस है माइनस तीस हो जाएगा इक्वल यहाँ पे वन अपान आठ दूना सोलह माइनस सोलह लिख दीजिए और माइनस उनचास लिख दीजिए। इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से जब आएंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, ए अपान एक सौ पाँच है चालीस है तो दोस्तों जब माइनस करेंगे तो पैंसठ बचेगा, पैंसठ हो जाएगा तो माइनस पैंसठ आ जाएगा। बी अपान इसको भी माइनस माइनस पैंसठ ये भी आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा वन अपान क्या आ जाएगा दोस्तों, नौ छः पंद्रह क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे नौ छः पंद्रह होता है, पंद्रह कर लीजिए और चार एक पाँच एक छः ये भी पैंसठ आ जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा, सब पैंसठ पैंसठ ही आ गया। यहाँ पे जब आएंगे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जो ए अपन माइनस पैंसठ है इसको किसके इक्वल दिखाएंगे, वन अपन पैंसठ के माइनस के, और बी अपन माइनस पैंसठ को इसको भी उसी के इक्वल दिखाएंगे। तो ए अपन माइनस पैंसठ को जब आप दिखाएंगे किसके इक्वल, वन अपन माइनस पैंसठ, तो आप देख रहे हैं दोनों का हर सेम है तो काट दीजिए, जब हर सेम रहता है तो काट दीजिए, तो ए इक्वल वन आ जाएगा। और आप क्या माने थे दोस्तों, आप ए इक्वल वन अपन एक्स माने थे, वन अपन एक्स इक्वल ए माने थे, तो एक जगह रख दीजिए, तो एक जगह रखेंगे तो वन अपन एक्स हो जाएगा इक्वल वन, और यहाँ पे भी x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, x का मान वन ही आ जाएगा। इतना था वो क्लियर। अब आएंगे b अपान माइनस पैंसठ है इक्वल वन अपान माइनस पैंसठ दिखाएंगे दोस्तों, तो माइनस पैंसठ दोनों का हर सेम है काट देंगे, तो b इक्वल वन आ जाएगा। b इक्वल क्या माने थे दोस्तों, आप वन अप वाई सॉरी दोस्तों वन अपान वाई इक्वल b माने थे, तो b की जगह रख दीजिए तो वन अपान वाई इक्वल वन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल वन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स का मान और वाई का मान दोनों बना गया, तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई कवल सिक्स एक्स वाई, अब इसी में वही काम करेंगे, सिक्स एक्स वाई को इधर ले आएंगे तो सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई अपान एक्स वाई कर देंगे और यहाँ पे सिक्स कर देंगे, एक्स वाई को वही काम करेंगे डिवाइड करेंगे सब में, प्लस थ्री वाई अपन एक्स वाई कर देंगे इक्वल सिक्स, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, जब एक्स से एक्स कैंसिल कर देते सिक्स वाई बचेगा, सिक्स अपन वाई बचेगा, प्लस थ्री अपन एक्स बचेगा इक्वल सिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिक्स इंटू वन अपन वाई लिख सकते हैं, प्लस थ्री इंटू वन अपन एक्स लिख सकते हैं इक्वल सिक्स। अब यहाँ पे वन अपन एक्स इक्वल ए मान लीजिए और यहाँ पे वन अपन वाई इक्वल बी मान लीजिए, जब इतना मान लेंगे तो इसमें मान रखिए वन अपन वाई का मान सिक्स बी कर देंगे, यहाँ पे प्लस थ्री इंटू ए कर देंगे और ये हो जाएगा सिक्स के इक्वल, तो सिक्स बी, अब इसको सिक्स बी नहीं लिखिए प्लस है तो यहाँ पे थ्री ए कर दीजिए, प्लस प्लस सिक्स बी इक्वल सिक्स, समीकरण एक बन गया। समीकरण एक अभी नहीं बना, इसको माइनस के साथ हम लिखेंगे ना, तो थ्री ए प्लस सिक्स बी माइनस सिक्स इक्वल वन, समीकरण एक बन गया, जीरो समीकरण एक बन गया। अब आएंगे दोस्तों सेकेंड स्टेप में, सेकेंड को इसको लेंगे तो टू एक्स प्लस फोर वाई है, फोर वाई इक्वल फाइव एक्स वाई है, तो एक्स वाई को इसमें डिवाइड कर दिए, टू एक्स अपान एक्स वाई एक साथ इसमें कीजिए और प्लस फोर अपान वाई अपान एक्स वाई एक बार इसमें कर दीजिए और ये फाइव हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल वाई से वाई कैंसिल, तो टू अपान वाई प्लस फोर अपान एक्स इक्वल फाइव। अब यहाँ पे टू अपान टू इंटू वन अपान वाई प्लस फोर इंटू वन अपान वाई एक्स इक्वल फाइव है, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए वन अपान वाई इक्वल बी रख दीजिए और वन अपान एक्स इक्वल ए रख दीजिए, समीकरण एक में जो रखें वही रखेंगे यहाँ पे, तो टू बी हो जाएगा और ए प्लस फोर ए हो जाएगा इक्वल फाइव। इसको आप क्या करेंगे, फोर ए प्लस टू बी माइनस फाइव इक्वल जीरो, समीकरण दो कर दिए, समीकरण एक समीकरण दो आपको पता चल गया। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण एक और दो को बज्र गुणन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, देखे हैं थ्री ए प्लस सिक्स बी माइनस सिक्स इक्वल जीरो, समीकरण एक,
समीकरण दो क्या है, 4a प्लस 2b माइनस 5 इक्वल 0, समीकरण दो। समीकरण एक और समीकरण दो आपको पता चल गया, समीकरण एक और दो पता चल गया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। a लिखते हैं, b लिखते हैं, 1 लिखते हैं। यहाँ पे b1 b2 होता है, तो b1 क्या है 6 है, b2 क्या है 2 है। b1 b2 समीकरण एक में b का गुणांक और समीकरण दो में b का गुणांक। a1 और a2 यहाँ पे होगा, a1 और a2 होगा दोस्तों। तो a1 क्या है समीकरण एक में a का गुणांक और समीकरण दो में a का गुणांक, तो 3/4। c1 c2 c1 माइनस 6 माइनस 5 है, यहाँ पे b1 b2 6 2 कर दीजिए, इसका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे a लिखिए, 6 × −5 कर दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए क्या 2 × −6 कर दीजिए। बी अपन क्या करेंगे, −6 × 4 कर दीजिए और माइनस कर दीजिए −5 × 3 इक्वल 1 अपन क्या करेंगे 3 × 2 कर दीजिए −4 × 6 कर दीजिए। इतना आपको क्लियर। ए अपन 6 × 30 − 30 और माइनस माइनस प्लस 6 × 12 = 12 इक्वल बी अपन 6 × 24 − 24 − − प्लस 5 × 3 = 15 इक्वल 1/3 × 6 − क्या हो जाएगा 24। जब ये करेंगे तो हो जाएगा 10 में से 2 = 8 और 1 × 18 − 18 इक्वल b/9 − 9 इक्वल 1/-18। इतना आ गया। अब 1/18 को ये 18 को −1/18 की इक्वल आप दिखा के का मान ज्ञात कर लीजिए सिंपल सा। a/−18 इसको दिखाएंगे 1/-18। अब क्या करें दोस्तों, नीचे हर सेम दिख रहा है, क्रॉस कर दीजिए a=1। तो आप 1/(x) = क्या माने थे, a माने थे, तो के जगह रख दीजिए 1/(x) = 1 और x = 1, आपका 1 आ गया। अब यहाँ पे वही काम करेंगे, b/−9 = 1/-18 की इक्वल दिखाएंगे, जब दिखाएंगे तो इसका क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे b = −9/−18 होगा, 9 × 2 = 18 होता है, −−+ हो जाएगा 2, तो b = यहाँ पे आपका 2 आ गया। b = क्या माने थे, तो b = 1/y माने थे, 1/y को रख दीजिए तो 1/y = 2, तो 2 = क्या हो जाएगा दोस्तों, y = क्या हो जाएगा 1/2। वाई की जगह 2 को कर दीजिए, 2 की जगह वाई कर दिए, इतना ज्ञात हो गया। तो एक समान वन है, वाई समान वन है, 2 ताइ होगी दोस्तों, समझ में आएगा। अपने से पूरा कोशिश किया समझाने के लिए, समझ में नहीं तो वीडियो के बार और देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, वीडियो मिस ना हो। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।